देखिए, कटिहार नगर निगम के निवर्तमान महापौर की हत्या कल रात्रि में हुई है, उससे हम सब मर्माहत हैं। और वास्तव में अल्पकाल में ही शिवराज पासवान जी ने काफ़ी कटिहार नगर के विकास के लिए बेहतर काम किया है, और इस हत्या से हम सब मर्माहत हैं। और हमने तत्काल ही पुलिस महानिदेशक एवं संबंधित सभी पुलिस के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपराधियों को अविलंब उसकी गिरफ्तारी हो, और जिस अपराधी ने इस दुस्साहस को अंजाम देने का साहस किया है उसको चिन्हित करके उसकी अविलंब गिरफ्तारी हो, क्योंकि कटिहार ऐसे शांत शहर के लिए ये काफ़ी दुखदाई है। और शिवराज पासवान जी मेरे छोटे भाई समान रहे हैं, और हमेशा उनका मुझे सहयोग मिला है। हम स्वयं दुखी हैं, मर्माहत हैं। आज मैं कटिहार भी लौट रहा हूं, जहां मैं उनके परिजनों से मिलूंगा और फिर पुलिस अधिकारियों के साथ बात करके जो अद्यतन क्या प्रगति हुई अनुसंधान में या अपराधियों की गिरफ्तारी में उसकी जानकारी लूँगा। लेकिन हम सब दुखी हैं, पूरा कटिहार मर्माहत है इस हत्या से। वास्तव में कटिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। एनडीए जातीय जनगणना पर बट गई है, चाचा भतीजा एक हो गए। नहीं देखिए, इसमें ना एनडीए की बटने की बात है, ना चाचा भतीजा के एक होने की बात है। बिहार विधानसभा में एक प्रस्ताव काफ़ी पहले यह पारित हुआ था, उस आलोक में ये सारी बातें आ रही है। और यह जनगणना भारत सरकार को करना है, भारत सरकार को निर्णय लेना है, तो भारत सरकार उचित अवसर पर उचित निर्णय लेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी से सभी दलों के लोग मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, मुझसे भी सभी राजनीतिक दलों के लोग मिलते हैं, बात करते हैं, अपनी समस्याओं को बताते हैं, उसका हम समाधान भी करते हैं। यह तो बिहार में एक अच्छी परंपरा है, और यह हमारे यही सुशासन का कहीं कहीं बेहतर तस्वीर है कि आज सभी राजनीतिक दल के लोगों को इस सरकार से अपेक्षा है, क्योंकि यह सरकार जो कहती है वो करती है। तो यह सरकार के लिए तो अच्छी बात है कि नेता प्रतिपक्ष भी अपनी समस्याओं को सरकार के पास रखते हैं। क्या बिहार की वित्तीय स्थिति ऐसी है कि कर्नाटक में जिस तरह से जातीय जनगणना हुई है वो बिहार भी करा सकते हैं अपने बल पे? नहीं देखिए, इस पर अभी हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन यह तो नीतिगत विषय है। जब इस तरह का विषय हम लोग के सामने लाएगा तो फिर हम सब देखेंगे, लेकिन अभी तक यह विषय इस रूप में न सरकार के सामने आया है न हम सबों के सामने आया। अगर चाचा भतीजा जिस तरह से पीएम से चिट्ठी लिख करके मिलने की समय मांग रहे हैं, उसमें आप लोगों को भी बुलाया जाता है तो आप लोग जाएंगे? नहीं देखिए, इस तरह के अभी हम सबों से कोई बातचीत नहीं हुई है। जब इस तरह की बात आएगी तो फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोग को क्या निर्णय लेना चाहिए, लेकिन जो भी निर्णय लेंगे हम अपने पार्टी के निर्णय के आलोक में ही निर्णय लेंगे, अपनी बातों को रखेंगे।